थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। बैठ जाइए आप लोग, सब लोग बैठ जाइए। चला आता साइलेंस, बैठ जाइए आप लोग, सब बैठ जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि आप लोग यहाँ आए आज तलाश की म्यूजिक रिलीज पर। ये फिल्म फरहान, रितेश और मैंने प्रोड्यूस की है, और इससे पहले कि हम आपको हमारी टीम से मिलाएं जो यहाँ हमारे साथ मौजूद है, हम चाहते हैं कि आप इस फिल्म के कुछ गाने देखें, कुछ प्रोमोस देखें। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि हम आपको हमारा प्रोमो दिखाएं, उसके बाद हम कुछ गाने दिखाएंगे। हाय कोमल। और उसके बाद हमारी टीम आपसे मिलेगी, आपसे बातचीत करेगी। तो एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया आने का, एंड लेट्स हैव द प्रोमोस प्लेइंग। आप इस शाम को यहाँ आए, हमारी उम्मीद ये है कि ये गाने सुनने के बाद और ये थिएट्रिकल ट्रेलर देखने के बाद आपको फिल्म के बारे में सिर्फ उतना ही पता चला है जितना हम आपको बताना चाहते हैं। यहाँ पर एक हमारी कोर टीम इस वक्त मौजूद है, तो सबसे पहले जो म्यूजिक से बहुत जुड़े हैं मैं उन्हें ऊपर बुलाना चाहूंगा। तो म्यूजिक कंपोजर जो है इस फिल्म के तलाश के, राम संपत, इफ यू कुड प्लीज कम अप। और जिन्होंने सारे गाने लिखे हैं, लिरिक्स लिखे हैं, माय फादर जावेद अख्तर, प्लीज इफ यू कैन आल्सो जॉइन अस ऑन स्टेज। यहाँ हमारे साथ भूषण भी हैं, सब जानते हैं भूषण को, ही इज ऑफ कोर्स रिलीजिंग द म्यूजिक, रिलीजिंग द एल्बम। भूषण इफ यू प्लीज जॉइन अस ऑन स्टेज। और हमारे इस फिल्म की कास्ट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ कोर्स रानी, इफ यू कैन कम अप ऑन स्टेज प्लीज। और अब मैं चाहूंगा कि आप व्यूअर्स से कुछ कहें। मैं बहुत खुश हूं आज यहां हूं, तलाश का म्यूजिक रिलीज है, एंड ओवर टू यू आमिर। एंड नाउ लास्ट एंड डेफिनेटली नॉट लीस्ट, द राइटर एंड द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म हु हैपेंस टू बी सिटिंग देयर, रीमा प्लीज कम अप। ये मोबाइल मीडिया की दुनिया को आपकी तलाश है। भाई जो है सर अपने दोनों को भूल जाते हैं, तो जोया एज अ राइटर, जोया जो थी नहीं जब हम यहाँ आए थे, जोया वाजंट हियर, शी इज जस्ट अराइव्ड। सो जोया प्लीज प्लीज जॉइन अस ऑन स्टेज, शी इज आल्सो द को राइटर ऑन द फिल्म, सो प्लीज कम अप। एंड नाउ वी बी हैप्पी टू टेक क्वेश्चंस फ्रॉम यू ऑल, आप लोग सवाल पूछें। आज हम एक इंसान को मिस कर रहे हैं, करीना जी, और ये पहली दफा है। हाँ जावेद साहब, ये पहली दफा है कि कोई आर्टिस्ट अपने फंक्शन पे ना आया हो और हम लोग खुश हों, और हम लोग खुश इसलिए हैं कि हम करीना जी के लिए खुश हैं, सैफ के लिए खुश हैं, और हम उन दोनों को शुभकामनाएं देते हैं एक खुशहाल जिंदगी, आगे की जिंदगी के लिए, एंड वी विश हर ऑल द वेरी बेस्ट। सो गाइज प्लीज फील फ्री टू आस्क अस क्वेश्चंस। स्टिल बैठो, कम है, इस वक्त आप देख सकते हैं कि राम और मैं आम आदमी हैं। इतना सन्नाटा क्यों? जो भी है भाई, बस
सबसे पहले ये सब करना है। एक माइक देते हैं सामने के लिए। गणेश गणेश हमारे पास ना एक मिनट। Hello, this is Raj from media. Amit Khan. I'd like to ask you, what made you to make this film? This is for me. Yes. Actually, ये फिल्म जो है रीमा जी ने बनाई है, जो लेखक हैं जोया के साथ इस फिल्म की, और जब मैंने इस फिल्म की स्क्रिप्ट सुनी तो मुझे बेहद पसंद आई, इसलिए मैं इस फिल्म के साथ जुड़ा। ये फिल्म बनाई है रीमा जी ने, डायरेक्ट की है, जोया और रीमा ने लिखी है, और इसका एक हिस्सा मैं बना क्योंकि मुझे कहानी बहुत पसंद आई। एंड फॉर रानी, योर वर्क विद आमिर, पहले भी काम किया आपने आमिर खान से, तो पहले के आमिर में आज के आमिर में क्या फर्क लगा आपको? आमिर पहले भी बहुत गुड लुकिंग थे, अभी भी गुड लुकिंग है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। दिस वन इज फॉर रानी जी। हेलो, इज इट ट्रू दैट यू हैव एग्रीड टू डू द फिल्म विदाउट हियरिंग द स्क्रिप्ट जस्ट बिकॉज आमिर हैज part of the project? I think this question should be for Reema. Reema, please answer this question. Not at all. She gave me a really hard time. There were two narrations and then she agreed to do the film. And did she also ask for some improvisations in the character? Not at all. Khan sahab, welcome back. Thank you so much. Nahi, ab baaki log bhi sawal puch lein, sun lein aapke. क्या बात है, काश मैं जानता। वेल आई गेस मुझे तलाश है अलग अलग चीजों की, खुशी की, खुशहाली की, अच्छे काम करने की, अच्छे मौकों की, अच्छे लोगों के साथ मिलकर काम करने की हमेशा तलाश रहती है मुझे। हाँ, मैं बहुत मिस कर रहा था, ढाई महीने हो गए मैं दूर रहा हूँ, और आज मेरा पहला दिन है यहाँ मुंबई में, और मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है वापस आकर। ढाई महीने बहुत वक्त होता है, तो बहुत मिस कर रहा था मैं। हालांकि अच्छा शेड्यूल रहा और वहां भी काम करने में मजा आया, लेकिन आई एम हैप्पी टू बी बैक ओवर हियर इन मुंबई। अमित सर, प्रभात हियर। यू डू फुल जस्टिस टू व्हाटएवर काइंड ऑफ रोल यू आर बीइंग प्रोवाइडेड, सो व्हाट काइंड ऑफ रिसर्च डू यू डू व्हेन यू आर गिवन एन एक्टिंग ऑफर? That depends on the kind of script it is and what the demands are. So based on what the script is, what the demands are, I, you know, accordingly apply myself. So in this film, this actually is more a suspense drama where I'm playing, my profession is that of a police person, an inspector. But that's just the profession, that's not my personality. And apart from investigating the case, this person is kind of dealing with some things in his past which he has not come to terms with yet, and that's what his internal struggle is, his internal battle is with himself. Amir sir, just an extension to the same question, how do you manage the flexibility in the diversity of roles that you perform? In the last film you were like a student, then you perform a social reformer in Satyam Vijay, and then you will be performing a thriller. How do you manage this? Well, I wish I knew how I manage, even I don't know. But actually, I'm just joking. The fact of the matter is that as actors, this is what our job is. You know, our job is to be able to do different characters and slip into different characters. That's what my job requires of me. So I'm hoping that I'm able to do that. I hope I'm able to do that well. Yeah. My question is for Reema or Farhan, anyone can take it. You know, the big thing with this kind of films is the trailer we saw, there's a mystery element to it. Are you guys skeptical that, you know, if the spoiler goes out, how is it going to spoil the film? Or if the film is much more than that? Or are you guys going to take steps to make sure that nothing goes out? So the trailer has been designed like that. And the second question related to the first, and is this the reason it's so low-key so far? Because it's a big film, Amir Khan's film, we haven't seen much. It's 1 month to go. Generally, it's a 3 month long promotion. So two questions in one day. As far as the suspense nature of the film is concerned, there's obviously only that much in the trailer that we can tell you. If we tell you what happens at the very end, that would defeat the purpose. But the thing is, I don't feel that once you know what the end of the film is, that it ruins the experience second time around. I think a lot of films have been made in India in the past
which have been suspense movies, but have relied on good performances, good story, good drama, good music, you know, and people have come back because when you know what happens at the end, sometimes you come back in and discover new things about the film while you're watching it. And apart from the fact that it is a suspense movie, there is a very, very strong emotional drama content in this movie, which Amir touched upon about his past and Rani's past. And I think that has its own attraction and it has its own kind of lure, so to speak. So I don't think that that will really, really affect. Eventually, if the film is good, people will come back to see it again if they do like it. And as far as the marketing of the film is concerned, I'll hand it over to Ritesh. I'm sure he'll have some better answers. Right. So 4 weeks, maybe 6 weeks, I think today is the starting of the campaign for the music as well as the film campaign. So I think that's when you start your marketing and the cast of the film was also not here the last 2.5 months. So we couldn't have kicked off the campaign. Now, फिर बोलते हैं कि आमिर नहीं आया मतलब कुछ गड़बड़ है. अच्छा ये फिल्म काफी पहले बन चुकी है, इतनी देर क्यों हो रही रिलीज में? इधर मैं तरुण मोहम्मद बॉलीवुड आईना से. एक्चुअली ये फिल्म की शूटिंग करीब आई थिंक अगस्त में कंप्लीट हुई थी. नवंबर, हाँ लंदन शेड्यूल, तो नवंबर में हमारी शूटिंग मुकम्मल हुई इस फिल्म की. और उसके बाद हम चाह रहे थे कि जल्दी रिलीज हो, लेकिन जब हम अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश करते हैं अक्सर वक्त लगता है बनाने में. तो उसी तरह रीमा जी को भी फाइनल एडिट में जो वक्त लगा वो मेरे हिसाब से वो मुनासिब है, क्योंकि वो हम लोग कोई कसर ना छोड़ें कि फिल्म जैसे हम बनाना चाहते थे वो वैसे हम बना पाएं. और हमें खुशी है इस बात की कि अब जब फिल्म को हम देखते हैं तो हमें लगता है कि हेलो तो अब हमें खुशी होती है जब हम फिल्म देखते हैं कि हम जो बनाने चले थे उसके काफी हम नजदीक आ पाए हैं, ऐसा मुझे लगता है. थैंक यू. रानी की रानी अपनी पिछली फिल्म में कुछ दिनों पहले रिलीज हुई थी, उसमें वो आपकी फैन बनी थी. रानी आपने आमिर को बताया था कि आप उनके पोस्टर्स लगाती हैं अपने कमरे में? ऑडियो ऑडियो अरे कर रहे हैं ना भाई, कर रहे हैं ना भाई, थोड़ी हेलो